ये स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ गिवन नंबर्स सी ही फर्स्ट इज द एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर दैन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स जो नंबर्स का हम एच सी एफ़ निकालते हैं जो एच सी एफ आंसर आता है वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता हम कॉमन निकालते हैं न कॉमन फैक्टर इज एच सी एफ़ सो वो हमेशा इन दोनों से छोटा होगा ये हम पहले भी कर चुके हैं द एच सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज वन जो नंबर को प्राइम होते हैं आपस में किसी पे डिवाइड नहीं होते कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका एच कुछ नहीं होता मतलब वन होता है उनका एच हमेशा वन होगा क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर हमेशा वन होगा थर्ड वन इज द एल सी एम ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट लेस देन ऑफ द गिवन नंबर्स वही जैसे एच सी एफ बड़ा नहीं हो सकता सिमिलरली एलसीएम छोटा नहीं हो सकता किसी नंबर से एलसीएम सी मीन्स वी आर टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑल्सो जरा सा भी कुछ कॉमन है तो हम उसको भी प्रोडक्ट में ले लेते हैं और प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर तो जैसे इसका ये आ रहा है एलसीएम तो ये गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा द लास्ट वन मोर इज देयर एलसीएम ऑफ टू को प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट जैसे को प्राइम्स का एच सी एफ ऑलवेज वन होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा वन रहेगा सिमिलरली एल जो है क्रोप्राइम नंबर्स का हमेशा उसकी प्रोडक्ट होगी जैसे ये दोनों क्रोप्राइम नंबर है तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें तो हमने इनका एल निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स मल्टीप्लाई करके दिस विल विल गेट द आंसर नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लास्ट फॉर्मूला द प्रॉपर्टी दैट इफ वी हैव एल एंड एच ऑफ टू नंबर्स एंड वन साइड वी आर हैविंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑन द वन साइड वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम दे विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें दूसरी तरफ एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई कर लें वी विल गेट द बैलेंस दोनों इक्वल होंगे तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे एक फॉर्मूले बन जाते हैं सी आई हैव रिटर्न हेअर ऑल्सो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख भी दी है यहाँ पे इट मींस नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू विल बी इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ अब अगर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके इनमें से चार चीज़ें हैं कोई भी तीन चीजें आपको दी होंगी आपने फोर्थ आइटम निकालनी है तो उसके फॉर्मूले बन जाते हैं लाइक एल सी एम निकालना है तो हम क्या करेंगे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको एच सी एफ से डिवाइड कर देंगे ये फॉर्मूला बन गया एल सी एम निकालने का एच सी एफ निकालना है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एल सी एम से डिवाइड कर देंगे दिस वन इज फॉर एच सी एफ और अगर कोई नंबर दिया है दूसरा नंबर निकालना है तो हमने एल सी एम एच सी एफ को मल्टीप्लाई करके जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड कर देना है ये थर्ड फॉर्मूला स्टार्ट हुई नाउ सम क्वेश्चन यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज फोर्थ डी का क्वेश्चन थ्री फोर फाइव एंड क्वेश्चन नाइन ये क्वेश्चन जो है इन प्रॉपर्टीज से होंगे आई विल गिव यू क्वेश्चन थ्री फोर एंड फाइव क्वेश्चन नाइन यू विल डू योर सेल्फ एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दीज क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन वी विल डू इन रेगुलर क्लास ये जो चार क्वेश्चन बच्चे हैं हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं वो हमने अभी डिस्कस करने हैं सी टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर थ्री प्रोडक्ट दी है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एच सी एफ गिवन है एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं हमने एलसीएम का फार्मूला लगा देना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन टू वन सिक्स जीरो एच सी एफ इज गिवन एलसीएम फाइंड करना है दोनों की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को एच सी एफ से डिवाइड कर देना है डिवीजन इज शोन ईयर सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन द फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन तो एच सी एफ को आप फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर दोनों numbers का नीचे एच सी एफ की जगह एलसीएम आ जाएगा तो वी विल डिड बोथ वी विल गेट दंसर वन मोर क्वेश्चन इज देयर क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दी नहीं हुई यहाँ पे तीनों आइटम्स अलग अलग दी है एच सी एफ दी है एल सी एम दी है और हमने वन नंबर गिवन है अदर नंबर हमने निकालना है तो हमने पहले क्या करना है नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एच सी एफ और एल सी एम को लिख लिया डिवाइडेड बाय क्या है नंबर वन तो नंबर वन हमें एक नंबर दिया हुआ है टू एट्टी उससे डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू एट्टी से डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर नाउ वी आर हैविंग टू करेक्शन इन दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर बेसिकली यू विल स्टार्ट विद दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग हेयर द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर वॉज वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ आना है यहाँ पर मैंने वन लिखा था बाय मिस्टेक इसीलिए मैंने ये स्पेशली आपको टेस्ट में डाला था कि जिनके करेक्शन है डाउट है उनको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे इट सेल्फ आना है द थिंग आई एम अंडरलाइनिंग करेक्टेड इन योर नोटबुक वन मोर करेक्शन इज देअर प्रीवियस वीडियो में हमने ये एच सी एफ निकाला था उसमें क्वेश्चन टू का क्वेश्चन टू का एच पार्ट था उसका 180 वाला जो नंबर था उसके मैंने फैक्टर्स लिखे थे टू टू थ्री थ्री फाइव बाय मिस्टेक स्किप हो गया था तो यहाँ पे आप फाइव को ऐड करोगे मल्टीप्लाई बाय फाइव भी लिखोगे आई एम अंडरलाइनिंग इट हेयर ऑल्सो ये आपने करेक्शन करनी है इससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर बस आपने करेक्शन कर लेनी है इट्स रॉन्ग देयर Thank you. Have a nice day.